हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं चार ब्लेड वाले कूलर किट की मोटर को वाइंड करना। आप देख पा रहे हो, ये हमारी चार ब्लेड वाली कूलर किट की मोटर है, जिसे आज की वीडियो में हम रिवाइंड करना सीखेंगे। चलिए फ्रेंड, मैं पहले आपके इसके ब्लेड दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये ब्लेड रहने वाले हैं इस मोटर के। तो आप देख पा रहे हो, ये वाले ब्लेड है, देखिए ये वाले इसके ब्लेड है। तो आज की वीडियो में हम इसकी जो मोटर है उसको वाइंडिंग करना सीखेंगे बिल्कुल ओरिजिनल और जेन्युइन डाटा के साथ। तो चलिए फ्रेंड, इसकी ले लेते हैं पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। तो देखिए फ्रेंड, ये वाली हमारी मोटर है, इसको आज बाइंडिंग करना हम सीखेंगे। तो फ्रेंड, जो ये वाला इस वाले भाग को बोलते हैं स्टैम्पिंग, और दोस्तों जो यहाँ से यहाँ तक का भाग होता है इसको बोलते हैं डाया। ये हमारा जो इनर डाया बोलते हैं इसको, इसका ये डाया रहने वाला है हमारा 3 इंच, और दोस्तों इसको बोलते हैं स्टैम्पिंग। ये स्टैम्पिंग रहने वाली है 1.5 इंच, इसकी स्टैम्पिंग रहने वाली है। तो फ्रेंड, जो आउटर डाया बोलते हैं, देखिए यहाँ से लेकर और जहां मोटर का एंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका आउटर डाया है। ये रहने वाला है पूरा 5 इंच इसका आउटर डाया है। इनर डाया इसका 3 इंच है, और दोस्तों स्टैम्पिंग इसकी 1.5 इंच रहने वाली है। और ये आप देख पा रहे हो, जो ये देखिए इनको बोलते हैं, ये खड्डे से आप देख पा रहे हो, जो होल देख पा रहे हो, इनको बोलते हैं स्लॉट, जिसके अंदर हम वाइंडिंग करते हैं अपने वायर, जो मोटर की है वो डालते हैं, इसको बोलते हैं स्लॉट। तो दोस्तों मोटर के दो भाग होते हैं दोस्तों, एक होता है रूटर, एक होता है स्टेटर। घूमने वाले को बोलते हैं रूटर, और जिसमें हम वाइंडिंग करते हैं, तार डालते हैं, ये होता है हमारा स्टेटर। तो आइए फ्रेंड, पहले इसका माप कैसे निकालेंगे, हम अपनी कॉयल का जो माप होता है उसको कैसे निकालेंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से इसका माप हम निकालेंगे। तो फ्रेंड, इसका माप निकाल लेते हैं। आप ये देख पा रहे हो, हमारे पास ये हमने इसकी जो कॉइल है वो बना के हमने ऑलरेडी रख दी है, लेकिन मैं आपको माप कैसे निकालेंगे, कॉइल का माप कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, कॉइल की लेंथ कैसे नापेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप अपनी कॉपर वायर ले लोगे, जिसके साथ आप बाइंडिंग करने वाले, कॉपर की है एल्यूमिनियम की है वो तो माप लेना दोस्तों, किस तरीके से आप माप लेते हो, वायर के साथ भी ले सकते हो, धागे के साथ भी ले सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम इसका माप लेंगे, 1 से 4 पिच में हम पहले इसको डाल लेंगे, इस तरीके से 1 से 4 पिच में हम डालेंगे, और फिर 1 से 4 पिच से हम देखिए आप जो आगे 1 से 6 में हम करेंगे, 1 से 4 में हम 1 राउंड घुमाएंगे, और इसमें जो आप देख पा रहे हो 1 से 6 में हम 2 राउंड घुमाएंगे। देखिए किस तरीके से मैं इसका माप ले रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना इस चीज को, क्योंकि माप लेना सीखना हमें आना चाहिए, तभी हम एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन पाएंगे। तो देखिए ये मैंने 2 राउंड इसके अंदर कर दिए हैं, ये हो गए हमारे 2 राउंड, 1 से 6 में 2 राउंड, और 1 से 4 में 1 राउंड, और 1 से देखिए ये हमारा 1 से 4 हुआ, ये हमारा 1 से 6 हुआ। तो 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड, इस तरीके से हम अपनी कॉइल का माप निकालेंगे, और फिर यहाँ से देखिए यहाँ से अच्छी तरह से बांध देंगे इसको। ये देखिए ये हमने ऐसे लेंगे हम माप, ये हमारी कॉइल की लेंथ निकल गई। देखिए ऐसे हम कॉइल का माप लेंगे। फ्रेंड, हर एक मोटर का अपना अपना एक ओरिजिनल डाटा होता है, एक अपना अपना ओरिजिनल डाटा से ही मोटर को वाइंड किया जाता है। तो फ्रेंड, हम गलती क्या कर देते हैं, एक ही डाटा से हम सभी मोटर को वाइंड करते चले जाते हैं। कूलर किट है, नॉर्मल किट है, हैवी किट है, सभी को एक ही डाटा से हम वाइंडिंग करते चले जाते हैं, जिससे कि हमारी मोटर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, हीट होने लगती है, जल्दी गर्माने लगती है, जल जाती है, हमारे पास बार बार वो रिपेयर के लिए आती रहती है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान, जो मोटर हीट होगी वो बैरिंग भी खराब करेगी और आपके बूस्ट सॉकेट भी खराब कर देगी। तो फ्रेंड, ये वीडियो में आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि चार ब्लेड वाली जो मोटर है इसकी वाइंडिंग हम आज की वीडियो में सीखने वाले, चार ब्लेड वाली मोटर की। तो ये करते हैं स्टार्ट दोस्तों। पहले कॉइल है, देखिए फ्रेंड हमने 4 कॉइल बनाई है इसकी, और चारों के चारों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई भी बीच में जोड़ नहीं है ना कोई। तो चलिए फ्रेंड, देखिए हमने 4 कॉइल बना के रखी है। तो पहली कॉइल को इंस्टॉल कर देते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ आपको फ्रेंड, क्योंकि हमने देखिए पहली कॉइल को हम इंस्टॉल करें किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, ध्यान से वीडियो को। फ्रेंड, पहली कॉइल को इंस्टॉल कर लेते हैं हम, और फ्रेंड पहली कॉइल को इंस्टॉल हम किस तरीके से करेंगे, हमारी पिच रहेगी 1 से 4। पहले हम 1 नंबर वाली जो हमारी स्लॉट है इसमें अपनी कॉइल को डाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप डाल देंगे, और दोस्तों इसको लॉक कर देंगे, आप कैप लगा दोगे या पेपर, आप इसको ये वाली कैप, इसको कैप भी बोलते हैं दोस्तों, सेक्रेटरी बोलते हैं, ये हम लगा देंगे, जिससे कि हमारी कॉइल लॉक होगी, अब बाहर वायर हमारी नहीं निकलेगी। और फ्रेंड देखिए अभी दूसरी साइड से भी हम इसको इंस्टॉल कर देंगे, देखिए किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो 1 से 4 पिच मैंने बोला है, 1 से 4 पिच कैसे होगी देखिए आप ध्यान से इस चीज को, तो ये फ्रेंड इस तरीके से होगी हमारी 1 से 4 पिच, आप देख पा रहे हो 1, 2, 3 और 4, 1 से 4 हमारी पिच इस तरीके से होगी। तो उसको भी कर देते हैं लॉक, लॉक हम हर एक कॉइल को, जितनी भी कॉइल इंस्टॉल कर रहे हैं सबको लॉक करके जरूर चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम कैप नहीं लगाएंगे तो फ्रेंड क्या होगा, हमारी मोटर हमारी वायर के साथ अर्थ हो जाएगी, जिससे हमारी मोटर की लाइफ भी कम होगी और बॉडी हमारी अर्थ हो जाएगी दोस्तों, जिससे कि हमारी मोटर करंट मारना शुरू कर देगी। तो देखिए फ्रेंड, फिर पीछे खींच लेंगे, आप देखिए अभी मैं काफी बार बोलता हूँ इनर और आउटर क्या होता है, देखिए फ्रेंड मैं इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। देखिए फ्रेंड, ये होता है हमारा इनर वायर है, ये जहां से हमारी, देखिए ये वाली, ये हमारी इनर वायर है जहां से हमारी कॉइल बननी स्टार्ट हुई थी, और दोस्तों वो वाला है आउटर वायर जिससे कि हमारी कॉइल का एंड हो रहा है, वो एंडिंग है और ये स्टार्टिंग है।
ये वाली वायर स्टार्टिंग की है और वो वायर हमारी एंडिंग की है, तो इसको बोलते हैं इनर और आउटर। तो देखिए इस तरीके से हम एक साइड से इंस्टॉल हमारी हो चुकी है और दोस्तों हम बैक अपनी टोटल जितनी कॉइल है उसको फिर खींच लेंगे। तो चलिए फटाफट से अभी एक से चार में हमने ये डाल दी है, देखिए एक से चार में पहला राउंड हमारा हो गया और एक से छह में हम दो राउंड करेंगे। फटाफट से कर लेते हैं हम दो राउंड। तो दोस्तों कोई भी अगर आप मोटर वाइंडिंग करने जा रहे हो तो ओरिजिनल डाटा से ही उसको वाइंड कीजिएगा, सभी मोटर में एक डाटा यूज मत कीजिएगा जिससे कि आपकी मोटर में प्रॉब्लम आए। टोटल हमारी आठ क्वाइल इसके अंदर इंस्टॉल होंगे फ्रेंड, चार हमारी रहेंगी रनिंग की और चार हमारी रहेंगी स्टार्टिंग की। बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों फिर से मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और आसान तरीका मोटर वाइंडिंग करने का। तो देखिए फ्रेंड एक राउंड हो चुका है हमारा, ध्यान से वीडियो को देखना और दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी हमारा नया दर्शक हमारे चैनल से जुड़ा हमारी वीडियो देख रहा है वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके अल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आपके पास आए। और दोस्तों वीडियो को पूरी ही वॉच किया करो। एक राउंड हो गया दोस्तों, अभी मैं दूसरा राउंड करने जा रहा हूं। सभी के सभी क्वाइल हमारी इस तरीके से इंस्टॉल होंगी फ्रेंड, जो कि हम पहली क्वाइल को इंस्टॉल कर रहे हैं, आठ की आठ क्वाइल, यही हमारा जो पिच है हमारी स्टार्टिंग की भी यही पिच रहेगी दोस्तों और हमारी जो रनिंग की पिच है वो भी आप देख पा रहे हो यही हमारी पिच रहने वाली, सेम वाइंडिंग होगी। लेकिन दोस्तों वायर है जो हमारा उसका हमें देखना होता है कि स्टार्टिंग में कौन सी वायर डालनी है और रनिंग में कौन सी डालनी है, कितनी टर्न हमें करनी होती है। क्योंकि दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ सभी मोटर का अपना अपना एक ओरिजिनल डाटा होता है। तो देखिए फ्रेंड हमारी एक साइड से कंप्लीट हो चुकी है क्वाइल डल के। तो फ्रेंड मैं बताना चाहूंगा इसमें मैं इसमें आप देख पा रहे हो जो मैं रनिंग की अभी क्वाइल डाली है इसमें मैं वायर स्टैंडर्ड गेज हमारा रहने वाला कॉपर की वायर से हम इसे वाइंड कर रहे हैं। और दोस्तों जो हमारा रनिंग का जो स्टैंडर्ड गेज है वो रहने वाला है 28 नंबर और दोस्तों इसमें रहेंगी 120 टर्न, बिल्कुल ओरिजिनल और जेन्युइन डाटा, 1440 आरपीएम में ये मोटर चलने वाली है। देखिए कितनी आसानी से हमारी मोटर ये वाली क्वाइल इंस्टॉल हो गई है। तो अभी दूसरी साइड से इसको फटाफट से कर लेते हैं फ्रेंड ताकि आपका भी टाइम ज्यादा ना लगे दोस्तों, वीडियो भी लंबी ना हो और जल्द अच्छे से आप सीख जाओ मोटर को वाइंड करना। तो देखिए फ्रेंड दूसरी साइड से भी हमारी कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो आप भी ऐसे ही स्टार्टिंग अपनी मोटर की वाइंडिंग करते टाइम करोगे, बिल्कुल आसान वाइंडिंग डाटा है फ्रेंड और बिल्कुल आसान मोटर वाइंडिंग होने वाली है जो 1440 आरपीएम में है हमारी। ये देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी तरीके से हमारी मोटर वाइंड पहला सेट हमारा डल के इंस्टॉल हो चुका है। देखिए इस साइड से कितने अच्छे से सफाई से हुआ दोस्तों, काम करना है तो सफाई से करो आप भी। देखिए बिल्कुल आसानी से हमारा जो पहला क्वाइल है वो इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों, चार हमारे जो क्वाइल है वो हमारे रनिंग में इंस्टॉल होंगे, रनिंग हमारी होगी चार क्वाइलों की, हमारी रनिंग होगी चार क्वाइलों से ही हमारी वाइंडिंग होगी स्टार्टिंग की। तो आइए फ्रेंड फटाफट से दूसरा सेट भी इंस्टॉल कर लेते हैं इसके अंदर। तो यहां से फ्रेंड ये चीज देखने की है सिर्फ इनर और आउटर डाया और मोटर के इसके कनेक्शन होने वाले हैं, आम इसके कनेक्शन रहने वाले जो सीरीज में इसके कनेक्शन होंगे। तो देखिए फ्रेंड अभी हम दूसरी क्वाइल को इंस्टॉल करेंगे, कहां से वो उसको इंस्टॉल करना शुरू करेंगे ध्यान से देखना वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड हम दूसरी क्वाइल को इंस्टॉल करना कहां से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, देखिए ये वाली हम स्लॉट बीच में छोड़ेंगे और यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो फिर से वही करेंगे हम, कैप लगाना ना भूले बिल्कुल भी।
28 नंबर की 120 टर्न हमने किया फ्रेंड। देखिए आउटर हमारा ये कहाँ गया, इस चीज को आप देख लीजिएगा। सिर्फ ये चीज ध्यान रखने की होती है मोटर वाइंडिंग करते टाइम। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ओरिजिनल और जेन्युइन डाटा, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, क्योंकि आप देखते होगा यूट्यूब पर, आप अनेकों वीडियो देखते होंगे, लेकिन दोस्तों जो जेन्युइन डाटा होता है वो जेन्युइन होता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो फिर से हम इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे कॉइल को। तो इस तरीके से फ्रेंड आप कॉइल को अपने को इंस्टॉल करते चले जाओगे, चारों के चारों कॉइल इसी तरह से इसके अंदर इंस्टॉल होंगे। तो चलिए एक राउंड हमारा हो चुका है, अब एक से चार में हमारा एक राउंड हो चुका है, तो अभी हम दो राउंड और कर देंगे जल्दी जल्दी ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो इस तरीके से आप मोटर को बिल्कुल आसानी से वाइंड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारे चैनल पर कोई भी फेक वीडियो नहीं मिलेगी, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। और दोस्तों एक चीज की और आप सावधानी रखेंगे, ये हमारी जो वायर है इसके ऊपर पॉलिश होती है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं पॉलिश न उतर नहीं पाए, इस तरीके से आप मोटर को वाइंडिंग करोगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको यहां तक वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमारी दो क्वाइल हो चुकी हैं इंस्टॉल। और फ्रेंड मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, सेम ऐसे ही हमारी जो बाकी की बची दो क्वाइल वो भी ऐसे ही इंस्टॉल होने वाली जैसे हमने स्टार्टिंग में इंस्टॉल की है। तो फ्रेंड ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए वो दोनों को दोनों क्वाइल में डाल लेता हूं, और उसके बाद फिर बताता हूं स्टार्टिंग हम किस तरीके से हम स्टार्टिंग को भी वाइंड करेंगे, कौन सी वायर हम उसमें यूज करेंगे, क्या हमारा डाटा रहने वाला है, पिच हमारी सेम रहेगी स्टार्टिंग की भी। तो दोस्तों ऐसे ही देखिए, ऐसे ही हमारी इंस्टॉल होने वाली है, दो जो बची है जो हमारी कॉइल है सेम यही पिच रहने वाली, सब कुछ यही रहने वाला। तो फ्रेंड वो उनको मैं कर लेता हूं इंस्टॉल ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए और जिससे कि आप भी बोरियत महसूस करो। तो फटाफट से वो दो कॉइल जो बची है उनको मैं कर लेता हूं इंस्टॉल और फिर करते हैं इसकी स्टार्टिंग की वाइंडिंग। तो देखिए फ्रेंड हमारी जो रनिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट, अभी हम स्टार्टिंग इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, चलिए आइए डालते हैं स्टार्टिंग की पहली कॉइल, वो कैसे हम, क्योंकि पिच तो सेम रहने वाली है फ्रेंड, लेकिन जो वायर नंबर है वो क्या यूज कर रहे हैं हम, कितनी हमारी ट्रेन है, आइए देखते हैं इस वीडियो में और करते हैं रिवाइंड। तो फ्रेंड जहां से हमारी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं आप कहां से इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करोगे। तो आप नीचे देख पा रहे हो ये वाली लीड, ये वाली हमारी लोड वाली वायर की जो लीड बची है जिनकी हम बाहर लीड निकाल देंगे। तो इसी के हिसाब से आप अंदर से कॉइल को इंस्टॉल करना स्टार्ट कीजिएगा ताकि हमारी जो रनिंग स्टार्टिंग की जो लीड निकले वो भी यहीं से निकले। तो चलिए कर देते हैं पहली कॉइल को इंस्टॉल, वर्ण देता हूं दोस्तों बिल्कुल ओरिजिनल डाटा जेन्युइन। तो इस तरीके से करेंगे हम वाइंड, पहली कॉइल को हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखोगे, जो आप कॉइल डाल रहे हो, क्योंकि ये जो पहले हमारे रनिंग के जो सेट था ये वाला जो एक से चार पिच में उसके ऊपर आएगा, और नीचे से आप उसको अच्छी तरह से दबा लेंगे ताकि हमारी कॉइल अच्छे से इंस्टॉल हो सके। और इसको भी कर देंगे हम लॉक। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से आप अपनी मोटर की स्टार्टिंग है जो वो इंस्टॉल करोगे, मैंने बताया आपको इसको अच्छे से दबा लीजिएगा ताकि आपकी जो कॉइल है वो वायर सही से इसके अंदर आ जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हो चुका देखिए फ्रेंड हमारा एक राउंड एक से चार में, तो एक से छह में फिर से कर देंगे हम डबल राउंड। इस तरीके से आप जो हमारी स्टार्टिंग है वो भी सेम इस तरीके से ही हमारी इंस्टॉल होने वाली है, एक से चार में एक राउंड और एक से छह में दो राउंड। तो ये कर लेते हैं फटाफट से।
तो देख रहे हो इस तरीके से आप मोटर को बाइंड करोगे, जो कि चार ब्लेड वाली हमारी कूलर की मोटर है। तो फ्रेंड टोटल हमारा जो वायर है इसके अंदर जाने वाला है 550 ग्राम, 560 या 70 तक भी हो सकता है फ्रेंड, अगर आप थोड़ी सी अच्छी आपको खुली ही वाला आपको बनानी है। 550 ग्राम टोटल वेट आपका रहने वाला है रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का। और दोस्तों जिसने 3 फेज की मोटर वाइंडिंग की वीडियो वॉच नहीं की है वो भी जाके वॉच कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हैंड वाइंडिंग जो सीलिंग है ना उसकी भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों टुल्लू पंप का भी मोटर का जो वीडियो मैंने वो भी डाली हुई, टुल्लू पंप की मोटर आधे एचपी की मोटर कैसे वाइंडिंग की जाती है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहां लिंक पर जाकर वॉच कर लेना दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप दी गई जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड जो रनिंग का हमारा पहला कॉइल इंस्टॉल हो चुका है, देखिए कितनी अच्छी तरीके से हुआ है, सफाई भी देखिएगा फ्रेंड, सफाई भी कितनी अच्छी सफाई से हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो चलिए कर लेते हैं दूसरा सेट इंस्टॉल, दूसरी कॉइल देखिए दोनों साइड से इतनी अच्छे से आप भी बिल्कुल ऐसे ही वाइंड करोगे अपनी मोटर को। चलिए दूसरी कॉइल को इंस्टॉल कर लेते हैं फ्रेंड। मैं बता रहा था ये वाली कैप है जो इनको अच्छे से दबा लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हमारा एक राउंड आने वाला है, जो हमारी स्टार्टिंग है उसका एक राउंड आने वाला है इसके ऊपर, इसको अच्छे से दबा लीजिए टेस्टर या पेचकस के साथ अच्छी तरीके से दोनों साइड से। तो चलिए फ्रेंड कर लेते हैं दूसरा जो हमारी कॉइल है उसको इंस्टॉल। बिल्कुल सरल और आसान तरीका दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों मैं स्टैंडर्ड वायर गेज में बताना चाहता हूं आपका, इसमें हम कितने टर्न यूज कर रहे हैं, किन कौन सा वायर हम स्टार्टिंग में यूज करें। दोस्तों स्टार्टिंग में भी हमारा रहने वाला है सेम डाटा रहने वाला है 28 नंबर की, 120 टर्न आप करोगे स्टार्टिंग में भी और रनिंग में भी सेम डाटा रहने वाला दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल डाटा फ्रेंड। अगर आप करना चाहते हो कॉम्बिनेशन तो आप 28-29 का कर सकते हो, 27-29 का कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको मैंने दिखाया चार ब्लेड वाला हमारा कूलर किट की मोटर है, चार ब्लेड आपको पता है कितना लोड लेते हैं कितना चलती है मोटर, तो इसलिए मैंने डबल इसमें, तो इसलिए फ्रेंड मैंने रनिंग और स्टार्टिंग का सेम डाटा रखा है। बिल्कुल आपकी मोटर चलेगी 1440 आरपीएम में और दोस्तों हिट भी नहीं होगी, बिल्कुल भी हल्की सी भी गर्म नहीं होगी इस डाटा से, गारंटी देता हूं। फ्रेंड हमारी जो 2 नंबर की कॉइल है वो एक राउंड उसका हो चुका है, अभी दूसरा राउंड हम करने जा रहे हैं। और दोस्तों जितनी भी मेरी वीडियो मैंने बना के डाली हुई है मोटर वाइंडिंग की पंखे वाइंडिंग की सबका डाटा आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, बिल्कुल ओरिजिनल डाटा। तो देखिए फ्रेंड हो चुकी है एक साइड से इंस्टॉल, फटाफट कर देते हैं 2 राउंड। और फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूं सभी के सभी जो हमारी कॉइल है स्टार्टिंग की है वो भी इस तरीके से ही हमारी वाइंड होने वाली है। तो 2 राउंड और कर देता हूं दोस्तों और मैं डाल लेता हूं सभी के सभी जो बाकी 2 बची है कॉइल उनको भी इंस्टॉल कर लेता हूं और फ्रेंड उसके बाद बताते हैं कनेक्शन इसके कैसे होंगे। तो चलिए फ्रेंड फटाफट से मैं इसको वाइंड कर लेता हूं, कितनी बची है हमारी कॉइल वो 2 राउंड होंगे दोस्तों, इसके भी सेम वही डाटा है हमारा दोस्तों रनिंग का और स्टार्टिंग का सेम टू सेम ऐसे ही हमारी कॉइल डलने वाली है। तो दोस्तों आइए मैं ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं फटाफट से वो सेट और डाल लेता हूं फिर बता देता हूं आपको कनेक्शन इसके कनेक्शन कैसे होने वाले हैं। दोस्तों सेम वाइंडिंग रहने वाली है दोनों साइड से रनिंग और स्टार्टिंग, सेम डाटा हमारा रहने वाला है, सेम पिच रहने वाली है, सेम हमारी टर्न रहने वाली है और दोस्तों सेम टू सेम हमारा वायर नंबर भी सेम ही रहने वाला है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी जानकारी, कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए फ्रेंड मैं कर लेता हूं सभी के सभी कॉइल को इंस्टॉल और दिखाते हैं आपको कनेक्शन कैसे होंगे, बताते हैं कनेक्शन इसके कैसे होंगे। तो देखिए फ्रेंड हमारी मोटर की वाइंडिंग हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से, आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से वाइंड हुई है। तो बचे हैं अभी 4 वायर, देखिए ये 1, 2, 3 और 4 वायर हमारी टोटल बची है। ये जो आप देख रहे हो अंदर वाली है ये वाली देख पा रहे हो यहां से, ये स्प्रेटर है इससे अंदर वाली देखोगे
स्प्रेटर से अंदर वाली है हमारी स्टार्टिंग की और स्प्रेटर से बाहर वाली है हमारी देखिए रनिंग की। तो फ्रेंड दो वायर रनिंग की बची है, दो स्टार्टिंग की, निकाल देते हैं लीड। दोस्तों अगर इलेक्ट्रिकल के लाइन में चलोगे तो आपको अंदर वाली लीड हमेशा ब्लैक और बाहर वाली रेड निकलेंगी, लेकिन दोस्तों वो आप अपने हिसाब से देख लो, जिस जो भी लीड आपके पास अवेलेबल है, जो कलर आपके पास है वो आप निकाल सकते हो। तो आइए निकाल लेते हैं इनकी लीड। लीड निकालने के बाद फ्रेंड निकाल लेते हैं इनकी लीड फटाफट से। देखिए फ्रेंड स्लीव पाइप जरूर लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए हम स्लीव पाइप लगाएंगे, माप के काट के इसको अच्छे से स्लीव पाइप लगा लेंगे। चारों जो हमारी लीड है, चारों लीड है हमारी, दो रनिंग की दो स्टार्टिंग की, चारों में स्लीव पाइप आप लगा लोगे। तो देखिए फ्रेंड हमने स्लीव पाइप लगा दी है, चारों के चारों में स्लीव पाइप आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों मैं बाहर वाली देखिए ऑरेंज कलर की फिलहाल मेरे पास लीड बची हुई है, मैं ऑरेंज कलर की बाहर वाली निकाल देता हूँ। इस तरीके से आप अपनी लीड निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों आप कौन सा कलर निकालना चाहते हो, अन्यथा तो रेड एंड ब्लैक एंड रेड ही होता है। तो देखिए ये वाली मैं रनिंग की जो लीड हमारी है, ये देखिए मैंने ऑरेंज कलर की निकाल दी है दोस्तों, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो देखिए ये वाली मैं ग्रीन वाली निकाल देता हूँ रनिंग की। और दोस्तों अगर आपके पास शोल्डर वायर और आयरन अवेलेबल है तो सोल्डरिंग जरूर कर देना, अपने जो ये जोड़ हैं अभी आए हैं इनको अच्छे से टाइट करके इनके ऊपर सोल्डरिंग जरूर कर देना। तो इस तरीके से आपकी मोटर वाइंडिंग होगी। तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आपको बताया बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन डाटा, हमारे चैनल पर आपको ओरिजिनल और जेन्युइन डाटा के साथ कंप्लीट वीडियो विद प्रैक्टिकल आपको मिलती रहेगी। आपका भाई आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहेगा। तो देखिए फ्रेंड ये मैंने निकाल दिया और अभी मैं कर देता हूँ इनकी सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों स्लीव इनके ऊपर स्लीव फिर से लगा देंगे और फ्रेंड हो चुकी है हमारी मोटर कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना है दोस्तों, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो देखिए सोल्डरिंग करना क्यों जरूरी, क्योंकि दोस्तों हमारे जोड़ कभी लूज नहीं रहेंगे, जान लो जी इलेक्ट्रिकल में वहाँ 5-6% हो जाता है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड हमारी लीड भी निकल के तैयार हो चुकी है और तरीके से आप अपनी मोटर को वाइंड करेंगे बिल्कुल ओरिजिनल एंड जेन्युइन डाटा दोस्तों, क्योंकि सभी मोटरों का अपना अपना एक ओरिजिनल डाटा होता है। अगर आप ओरिजिनल डाटा के साथ रिवाइंड करोगे तो आपकी मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ टाइम तक दोस्तों, जब तक मोटर चलेगी। तो ये लीड भी निकाल दिया दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे इनको इसको अच्छे से धागे से बांध देंगे दोस्तों, और बांधने के बाद अंदर की कैप दबाकर डाल देंगे वार्निश, और दोस्तों उसके बाद चलेगी हमारी मोटर 1440 RPM में बिल्कुल ओरिजिनल एंड जेन्युइन डाटा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों डाटा